एवरीवन, आई एम निलंजना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। और उसके पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ हैप्पी वुमेन्स डे। तो आज वुमेन्स डे में आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आप हम वुमेन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं या फिर पार्लर में जाते हैं अपने स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, और बहुत सारा पैसा हम लोग अपनी स्किन के ऊपर वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमारे स्किन में जाएगा भी या नहीं, या फिर यूज़ करने के बाद कोई इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा कि नहीं। सो उसके लिए मैं आज आई हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए, और इसके बहुत सारे यूजर्स हैं उसको आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसेंशियल ऑयल, मतलब मैं आज यूज़ कर रही हूँ टी थ्री एसेंशियल ऑयल। और हम सब जानते हैं कि प्रीवियस सेंचुरीज से हम टी ट्री ऑयल बहुत ही वेल नोन एक एसेंशियल ऑयल है, और बहुत सारे अभी जो स्पास हैं ये सब स्पास में भी टी ट्री ऑयल का बहुत सारा यूजेस होता है। वो लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट में भी टी ट्री ऑयल यूज करते हैं, और टी ट्री ऑयल का बहुत सारा बेनिफिट है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो टी ट्री ऑयल के सिवा कुछ और यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं सबके साथ सब लोगों को बताने वाली हूँ टी ट्री ऑयल का बेनिफिट्स, और हम कैसे अपने स्किन के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं, स्किन हेयर के ऊपर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल एक मैजिक है जो नेचुरल प्रोसेस से हम लोगों के स्किन हेयर को हेल्दी बनाता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो हम लोग बहुत दिनों से फेस करते आए हैं। हम लोगों के स्किन में एक्ने हो या फिर कोई ब्रेकेज हो या फिर इंसेक्ट बाइट्स हो और बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप लोग सोचेंगे कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल ये कहाँ हम लोगों को मिलेगा, एसेंशियल ऑयल का तो बहुत दाम होता है। डोंट पैनिक गाइस, आज मैं एक ऐसे ब्रांड का टी ट्री ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा है क्वालिटी में, और बहुत ही अफोर्डेबल है, और बहुत इजीली आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का टी ट्री ऑयल। ये था प्रोडक्ट, और इसका पैकेजिंग थोड़ा ऐसा है। ये 10 ml का आता है, और इसका प्राइस है 350, ओनली 350। सो डोंट पैनिक, आप लोग अपने पॉकेट मनी से बहुत ही इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। और नायका का ये टी ट्री ऑयल मैं 1 month से इसको यूज कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है इसके वजह से। और टी ट्री एसेंशियल ऑयल में बहुत सारा गुण है, मैंने बहुत दिनों से एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मैं। तो टी ट्री ऑयल के बारे में मैं जितना रिसर्च करती हूँ वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसका बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा गुण है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं।
कि इस एसेंशियल ऑयल में इतना सारा गुण होता है और ये हम लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल है। सो इतना अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप डाल दूंगी, आप लोग चाहे तो वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और तो पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टी ट्री ऑयल का कितना सारा बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टी ट्री ऑयल में बहुत ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से ये कोई भी इचिंग हो, रैशेस हो या फिर कोई भी फंगल प्रॉब्लम हो, सबको ट्रीट करता है। अगर कोई भी स्किन टाइप माने कि ऑयली स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन या फिर नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन में बहुत ही कम पिंपल्स आते हैं, पर आते हैं किसी किसी को, तो आप लोग डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के ऊपर। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल को यूज़ करने से पहले आप सब पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको यूज़ करिए, क्योंकि एसेंशियल ऑयल बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है, या फिर कुछ एसेंशियल ऑयल से आप लोग एलर्जिक रहते हैं। तो पहले इसको एसेंशियल ऑयल को टी ट्री एसेंशियल ऑयल मैं जो आज यूज़ कर रही हूँ इसको पैच टेस्ट कर लीजिए, इसके बाद आप अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी प्रेग्नेंट वूमन प्लीज़ कोई भी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट अपने प्रेगनेंसी के वक्त यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है, या फिर उसका प्रेग्नेंस कोई रिएक्ट कर सकता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम आप कोई भी एसेंशियल अपने ऊपर डॉक्टर से पूछे बिना मत यूज़ कीजिए। और मैं आज बताने वाली हूँ नायका का ये टी ट्री ऑयल, मैं यूज़ करने के बाद मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है कि मैं क्या बताऊँ। इसको आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, एज आप लोग कोई भी नरिशर हो, मॉइस्चराइजर हो, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बताने वाली हूँ कि इस टी ट्री ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। तो ये बहुत, अगर कोई आपको सनबर्न हो जाए तो टी ट्री ऑयल आपके स्किन को बहुत ही हेल्प करता है, हील करता है। और अगर आपके स्किन में कोई एक्ने हो या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो, इसको भी टी ट्री ऑयल बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। अगर कोई इंसेक्ट बाइट हो तब आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और बहुत जो एथलेट्स होते हैं उनको बहुत एक प्रॉब्लम फेस करना होता है, एथलेट फुट टो फंगल इन्फेक्शन जो है, तो उसके लिए भी ये टी ट्री ऑयल बहुत ही बेनिफिटेड होगा। और अगर आपको कभी कोई स्किन टैग्स हो, यानी मोल होता है, तो उस स्किन टैग्स के ऊपर भी आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसका मैंने एक देखा है कि अगर किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम हो या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, वो भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, और उन लोगों का एस्थमा का प्रॉब्लम या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। हाँ, मैं तो हैरान हो गई थी कि टी ट्री ऑयल, इतना छोटा सा एक एसेंशियल ऑयल जो आता है, ये इतना सारा इसके अंदर गुण है जो हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। और तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ इसका जो मेथड्स है, आप लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज पहले जो यूज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो वो है, पहला जो यूज़ है वो है, आप इसको एज अ नाइट रूटीन यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, नाइट रूटीन का मतलब है सोने से पहले आप लोग तो फेस वॉश यूज करते ही है अपने फेस के ऊपर, तो क्लीन करने के बाद जो आप मॉइस्चराइजर हो या फिर
कोई नरिशर हो, जो भी आप यूज करते हैं, उसके साथ 1-2 ड्रॉप्स डीप सी एसेंशियल ऑयल मिक्स करके उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, हम लोगों के स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, क्योर करता है। और मैं यूज करती हूँ रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल, या मैं ये वाला एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। मैंने इस एलोवेरा जेल को खरीदा था केरल में, मैं जब गई थी केरल के थिक्केडी डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे ये सब नेचुरल एलोवेरा जेल, बहुत सारा नेचुरल जो स्पाइसेस है या फिर ऐसा एसेंशियल्स ऑयल्स है, ये सब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है और बहुत ही फ्रेश मिलता है। तो मैंने इसको वहाँ से खरीदा था। तो सॉरी गाइस, मैं इसका कोई लिंक आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो एक स्टोर से इसको परचेस किया था, उस स्टोर का कुछ वेबसाइट नहीं है, आप लोग नहीं उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल, या फिर आप लोग नायका हो या फिर मिंत्रा और फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कोई भी ऑनलाइन परचेस वेबसाइट से आप लोग कोई भी एलोवेरा जेल परचेस कर सकते हैं या फिर कोई भी आप लोगों के नियर जो शॉपिंग स्टोर्स हैं वहाँ पे जाके भी आप लोग एलोवेरा जेल परचेस कर सकते हैं। तो मैं रात को एलोवेरा जेल लेती हूँ बहुत ही कम अमाउंट में, और उस एलोवेरा जेल में 1-2 ड्रॉप्स डीप सी एसेंशियल ऑयल मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैंने अपने फेस पे उसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ही कम समय में हम लोगों के स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और मेरा तो कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरा टी जोन ऑयली है एंड चीक बहुत ही ड्राई होता है, तो इसलिए मैं एलोवेरा जेल अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज करती हूँ रात को सोने से पहले एज अ नाइट रूटीन। तो अभी मैं इसके साथ 1-2 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो ये बहुत ही मुझे हेल्प करता है, सुबह उठने के बाद मैं अपने स्किन को बहुत ही हाइड्रेटेड फील करती हूँ, और मेरे स्किन में अगर कोई एक्ने प्रॉब्लम हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, वो सुबह उठ के मैं देखती हूँ बहुत ही हील हो गया है, और कुछ दिन कंटिन्यू यूज करने के बाद ये नेचुरल प्रोसेस से आपके स्किन को एकदम क्लीन एंड क्लियर सैटिन फिनिश बना देता है। तो ये था मेरा फर्स्ट यूज एलोवेरा जेल और टी ट्री एसेंशियल ऑयल का। इसके बाद मैं बताने वाली हूँ और एक यूजिंग मेथड, वो है आप लोग इसको एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। एज अ टोनर आप लोग कैसे यूज करते हैं, मानिए कि आप लोग फेस को वॉश करने के बाद जो टोनर नेचुरली हम लोग डाबर गुलाबरी या फिर कोई भी रोज टोनर ये सब हम अपने स्किन में अप्लाई करते हैं। तो अभी आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए या फिर कोई भी बॉटल आपके पास अवेलेबल हो उसको ले लीजिए, और उसमें जो नॉर्मल पीने का पानी आप लोग यूज करते हैं उसको पोर कर लीजिए, और उसमें 4-5 ड्रॉप्स टी सी एसेंशियल ऑयल मिक्स करके उसको शेक करने के बाद आप अपने स्किन पे फेस को वॉश करने के बाद एज अ टोनर उसको यूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट आप लोगों को बहुत ही सारे बेनिफिट है इसके अंदर। तो एज अ टोनर ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज कर देगा और मिनिमाइज कर देगा, और बाहर का जो पॉल्यूशन है आपके स्किन में अंदर नहीं आने देगा। तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल आप एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं, पानी को मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल के अंदर इसको पोर करके सेव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ये बहुत दिन तक इसको आप रख सकते हैं, कोई एक्सपायरी का डर नहीं रहता है, एसेंशियल ऑयल का कोई एक्सपायरी नहीं होता है नेचुरली, तो फिर भी आप लोग देख लीजिए। और थर्ड जो यूज मैं करती हूँ इसको,
एज अ डैंड्रफ, अगर मेरे हेयर पे कोई डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो तब मैं जब नहाने जाती हूँ तब मैं अपने शैम्पू में 1 to 2 drops एसेंशियल ऑयल, 50 एसेंशियल ऑयल मिक्स करके अपने हेयर पे लगाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे स्किन में जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, हील करता है और हेयर को शाइनी बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हमारे हेयर को बहुत ही हेल्दी रखता है। तो ये था मेरा 3rd यूज। और हम लोग तो फेस वॉश यूज़ करते हैं, कोई भी फेस वॉश हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे स्किन को सूट करता है। तो मेरा 4th यूज़ है, आप लोग अपने फेस वॉश के साथ 1 to 2 drops टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके उसको अप्लाई कीजिए, एक बार सुबह में, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। तो ये बहुत ही बेनिफिटेड होगा, आपके स्किन को ब्राइटर बनाएगा और आपके स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से केटर करेगा। तो ये था मेरा 4th यूज। मेरा 5th यूज है, अगर आपके स्किन में कोई स्किन टैग हो या फिर मोल्स हो आप उसके ऊपर भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। जस्ट 2 बार आप लोगों को यूज करना होगा अपने मोल या फिर स्किन टैग के ऊपर 1 drop एसेंशियल टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज करिए और उसको रब कीजिए। एक बार सुबह में इसको यूज करना होगा और एक बार नाइट टाइम में इसको यूज करना होगा। तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के स्किन में जो स्किन टैग्स है वो धीरे धीरे हट जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो DIY रेमेडी हम लोग घर पे जो यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि मैं इसको यूज करूंगी तो 3 to 5 days के अंदर मेरा वो सब प्रॉब्लम क्यों हो जाएगा। जी नहीं, ये आप लोगों का बहुत ही गलत सोच है कि कोई भी आयुर्वेदिक हो या फिर कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो DIY रेमेडी होती है उसको आप लोग को वो कंटिन्यू यूज़ करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करता है, लॉन्ग प्रोसेस के लिए क्योर करता है। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना होगा और इसको लॉन्ग प्रोसेस आपको यूज़ करना होगा, उसके बाद आप लोग जो डिफरेंस देखेंगे मैं भी आप लोगों को गारंटी देने वाली हूँ कि इसको लॉन्ग प्रोसेस को यूज करने के बाद आप लोग देख पाएंगे आपके स्किन में प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स थे वो अब नहीं है। सो थोड़ा टाइम दीजिए इसके पीछे और यूज करिए, आप लोग देख पाएंगे आपके स्किन को। आप ही एज अ जज कीजिए कि मैंने मेरा प्रीवियस स्किन कैसा था और मेरा अभी का स्किन कैसा है। तो ये था मेरा 5th यूज। और मेरा लास्ट यूज है, आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल को एज अ डिओड्रेंट, मतलब नेचुरल डिओड्रेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टी ट्री एसेंशियल ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ये नेचुरल प्रोसेस से जो ओडर प्रॉब्लम है, किसी को ओडर प्रॉब्लम रहता है वो नेचुरल प्रोसेस से ट्रीट करता है। तो जस्ट 1 drop टी ट्री एसेंशियल ऑयल लीजिए, अपने अंडर आर्म्स में रब कर दीजिए और नेचुरल प्रोसेस से, ये नेचुरल रेमेडी है जो आप नेचुरल प्रोसेस से इसको यूज कर सकते हैं एज अ डिओड्रेंट। सो ये था मेरा लास्ट यूज ऑफ टी ट्री ऑयल, मैं ये सब यूज करती हूँ। हाँ, कभी कभी अगर आप चाहे तो नहाने से पहले भी आप जो बकेट में पानी यूज करते हैं नहाने के लिए, उस बकेट में 4 to 5 drops टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके उसके हेल्प से आप नहा सकते हैं। तो बैक्टीरियल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। कोई भी स्किन के रैशेस हो, इचिनेस हो या फिर कोई भी फंगल प्रॉब्लम हो, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ट्रीट करता है। तो ये सारे थे टी ट्री ऑयल का यूज। और टी ट्री ऑयल में बहुत सारा, टी ट्री ऑयल को आप इतने सारे, इसका तो बेनिफिट है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैंने आज बताया है टी ट्री ऑयल का इतना सारा गुण, सो आप लोग इसको यूज करें, इसके बाद देखें कि कितना सारा आप लोगों को हेल्प होगा। और मुझे अगर नेक्स्ट कोई कमेंट आप लोगों को इस वीडियो के बारे में करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर कोई और भी प्रॉब्लम आप लोगों को है उसके
बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर कुछ नया वीडियो बनाऊंगी। और अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ सब एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, तो आज मैंने आप लोगों को बताया है टी ट्री एसेंशियल ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। आज मैंने बहुत ही शॉर्ट में इतना सारा बेनिफिट बताया है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकती, क्योंकि जितने भी बेनिफिट्स मैं सर्च करती हूँ इसका और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे जानने को मिल रहा है। तो आप लोगों को मैं छोटा सा कुछ यूसेज इसका बताया है जो आप लोग डेली लाइफ में बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और तो आज मेरा वीडियो था एसेंशियल ऑयल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और DIY रेमेडी के बारे में बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ जो मैंने अभी फील कर रही हूँ मैं अपने स्किन के ऊपर टी ट्री एसेंशियल ऑयल को यूज़ करने के बाद। मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, मेरे मम्मी के ऊपर भी मैंने यूज़ किया है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग इसको यूज़ करें। उसके बाद आप लोग भी कोई भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले 5 बार सोचेंगे कि नहीं, पैसा वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो मैं जस्ट एक टी ट्री एसेंशियल ऑयल खरीद लेती हूँ उस बजट में, और मैं अपने स्किन को बहुत ही हेल्दी पाऊंगी। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा एक स्किन मुझे मिल जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट कोई भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इसको यूज़ करने के बाद नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि मेरा भी यही सेम रिएक्शन है। मैं इसको यूज़ करने के बाद मुझे एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आता है कि नहीं चलो मैं वो वाला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है जो स्किन के लिए मैं ये क्रीम या फिर कोई सनस्क्रीन ऐसा मैं यूज़ खरीदूँगी और यूज़ करूँगी। मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अभी खरीदना नहीं चाहती हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल को पाने के बाद। सो टुडे मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं होप करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ सेम, आप लोगों का भी माइंड में सेम ही थिंग आएगा कि नहीं ये वाला वीडियो मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि आप लोग जब रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद आप सोचेंगे हाँ ये वीडियो हमें काम आया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करिए, उसके बाद देखिए आप लोगों के स्किन में कैसा रिजल्ट आ रहा है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि आप लोग भी चाहेंगे कि मैं अपने स्किन को क्यों थोड़ा अच्छा बनाना चाहती हूँ, मेरा और भी फैमिली मेंबर्स हो या फिर फ्रेंड्स हो वो भी इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करने के बाद वो भी बेनिफिट पाए। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम भी हेल्दी रहे और हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली वो भी हेल्दी हो। सो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट साइड में एक रेड सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद एक बेल बटन आएगा, उसको प्लीज़ क्लिक करिए। उसके बाद आप लोगों को मेरा जो नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, और मैं फिर आऊँगी एक नया हेल्पफुल वीडियो लेके जो आप लोगों के हेल्थ को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग के फेस में एक स्माइल हो ऑलवेज। और बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल एंड स्टे हैप्पी। तो बाय गाइस।